बोले लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, अभी 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो यस सर। देखो, एक सॉल्यूशन जो है 20 लीटर का, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये 3:1 है। ठीक है, तो 20 लीटर का सॉल्यूशन है, अगर हमारा मिल्क और इसका जो रेशियो 3:1 का है तो ये 15 होगा और ये 5 होगा। क्लियर हाँ है ना, कैसे निकालते पता है ना इतना? हाँ तो मिल्क 15 और वाटर 5। बोला हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 4:1। मतलब कितना हम मिल्क ऐड करेंगे कि रेशियो 4:1 हो जाएगा, ये बोला है। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो जब मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर तो सेम रहेगा ना। मिल्क मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर का जो क्वांटिटी रहेगा वो तो सेम रहेगा। मतलब पुराने सॉल्यूशन अगर 5 लीटर है तो न्यू सॉल्यूशन है 5 लीटर ही होना चाहिए हम लोग, क्योंकि मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर तो सेम है। तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मगर उसको 5 बनाना होगा, तो ½ कर देंगे, ½ कर देंगे। तो 5 लीटर हमारा वाटर पहले था, अभी भी है, और अभी मिल्क कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। ऐड कितना किया है? 5 लीटर मिल्क ऐड किया है। हम लोग गैप किस में इक्वल करते थे? गैप इक्वल करते थे जब दोनों को, दोनों में सेम क्वांटिटी मिलाते थे। ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन दोनों में, हम जब ऊपर वाला रेशियो नीचे रेशियो दोनों में जब हम लोग इक्वल अमाउंट ऐड करते थे तब हम लोग गैप करते थे, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे गैप वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे। क्लियर है? कर दे, नहीं सर, क्लियर हो गया। नहीं हमको नहीं लग रहा है तुम्हें क्लियर हुआ, एक बार फिर से तुम समझा देते। सच में इतना अच्छा से क्लियर हुआ जितना होना चाहिए? देखो, हम लोग गैप वाला किस में करते थे? गैप वाला हम लोग करते थे जब दोनों फ्रैक्शन के दोनों, देखो जब देखो 20 लीटर सॉल्यूशन है, मिक्सर इसमें 3:1 का रेशियो है, मिल्क 15 लीटर हो जाएगा हमारा और वाटर हमारा हो जाएगा 5 लीटर। तो ये 15/5 है, हम सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर हमारा सेम है, तो जो नया रेशियो बन रहा है 4:1। जब वाटर यहाँ 5 लीटर तो यहाँ भी 5 लीटर होना होगा, तो इसको 5 बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे दोनों इंटू करना पड़ेगा। तो मिल्क वाटर अभी भी 5 लीटर है, बट मिल्क अभी 20 लीटर हो गया, तो इससे हमें पता चल रहा है 5 लीटर हम लोग ऐड किए हैं मिल्क नया सॉल्यूशन। अब बोला इन अ मिक्सर 60 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो अगर 60 लीटर है तो मिल्क निकालना है तो 2:3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 40 लीटर मिल्क हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 60 लीटर अगर है, 40 लीटर तो 20 लीटर ही हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो ऐसा रहेगा, मतलब फ्रैक्शन ऐसा रहेगा। ये बोला है कि इफ द रेशियो इज टू बी, अगर हमको रेशियो 1/2 करना है, ठीक है, तो देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना मिलाएंगे? देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, ठीक है, वाटर कितना मिलाना है? तो इसमें क्या है, मिल्क सेम है, वाटर मिलाएंगे तो मिल्क सेम है, यहाँ मिल्क 40 है, इसको भी 40 करना हो तो 40 करने के लिए 40 से इंटू करना पड़ेगा इसको, तो ऊपर इंटू के तो नीचे भी इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क सेम, तो यहाँ पे भी मिल्क सेम, बट यहाँ पे वाटर 80 लीटर हो गया, यहाँ पे वाटर 20 लीटर का, कितना मिला है? 60 लीटर हमको वाटर मिलाना। देख लो सवाल को अच्छे से, ऐसे थोड़ा सा अच्छा यस लेंथी सवाल है, एग्जाम में दिमाग घुमाएगा, मगर ऐसे तुम अगर ऐसे फ्रैक्शन
रेशियो को बनाएगी तो आराम से बनेगा। कितना मुश्किल से, हम तुमको पढ़ा रहे तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लग रहा, तो एग्जाम में कितना टाइम होना चाहिए? मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगना चाहिए। समझ में आया ना? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तुरंत हो जाएगा। देखो, अ मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। ऑन एडिंग 22, देखो अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है वो नहीं पता है, मतलब मिक्सर का कितना क्वांटिटी वो नहीं पता है, बट ऑन एडिंग 22 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:5। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सर इज क्या होगा? चलो बनाया जाए सवाल को अपने से, अगर तुम बनाना चाहोगे तो बनेगा। बनाइए, हम भी बनाते हैं। नहीं तुम मत बना, तुम समझो, फिर तो एग्जाम में तुमको बनाना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। देखो अभी मिल्क और वाटर जो है 5:2 है बोला, फिर वो 7:5 हो जाएगा कब, हम 22 लीटर वाटर मिलाएंगे, जब 22 लीटर वाटर मिलाएंगे तो मतलब यहाँ मिल्क यहाँ सेम है तो यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। वाटर मिलाएंगे हम 22 लीटर तो मिल्क तो सेम रहेगा ना, मिल्क को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से इंटू करेंगे, इसको 7 से इंटू करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 जगह चाहिए तो क्या हो जाएगा मेरा रेशियो नया 35/28, नहीं 14, 14 14 और ये क्या हो जाएगा 35/25। 14 मिल्क अभी भी सेम है दोनों में, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोला कितना वाटर कितना ऐड किया है 22 लीटर, यहाँ वाटर कितना ऐड हुआ है देखो तो जरा, 11 ऐड हुआ है। 22 बनाने के लिए 2 सेंटी करना पड़ेगा, तो इसको 2 सेंटी के तो सबको 2 सेंटी करना पड़ेगा। सवाल क्या पूछा था? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर कितना होगा 28 लीटर। देखो सर जूम आउट कर देते हैं, समझ में आएगा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना? पहले क्या बोला हमारा कि कोई सॉल्यूशन है कितना क्वांटिटी वो नहीं पता, बट 5:2 का रेशियो में है और 7:5 का रेशियो में, बट हम वाटर मिला रहे तो मिल्क तो सेम रहेगा ना, तो पहले हम मिल्क को सेम कर दिए, मिल्क 35 35 पहुंच गया, कैसे 35 के पता है ना, ये 5 है ये 7 है तो दोनों को अब आपस में वैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारा मिल्क सेम हो जाए। फिर देखिए कि जब मिल्क सेम हो गया तो वाटर, जब वाटर में कितना बड़ा है, वाटर में देखिए 11 लीटर बड़ा, बढ़ाना था 22 से, 22 करने के लिए हमको 2 सेंटी करना पड़ेगा, इसको 2 सेंटी के तो सबको 2 सेंटी करना पड़ेगा, तब यहाँ से वाटर का ओरिजिनल क्वांटिटी मेरा 28 लीटर आया। नया क्वांटिटी बोलता तो क्या होता 50 लीटर, ठीक है 50, न्यू क्वांटिटी 50 होता और ओल्ड क्वांटिटी पुराने मिक्सर 28 लीटर, ठीक है? यस सर। In a class, the number of boys and girls is in the ratio 4:5. If 10 more boys join the class, the ratio of number of boys and girls becomes 6:5. How many girls are there in the class? बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। वैसे इसमें पहले क्वांटिटी बता देता था ना, पहले कितना है वह अब नहीं बता रहा है, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बस बोला बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 4:5 है, बोला 10 और नया लड़का जुड़ा आया है तो जो रेशियो कितना हो गया है मेरा 6:5 का हो गया, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स में। बोला हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी लड़कियां हैं? देखो गर्ल्स यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है,
गर्ल्स, जब बॉयज ऐड हो रहे हैं तो सेम ही है, अभी भी तक तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखो बॉयज कितना ऐड हुआ है, दो ऐड हुए, मगर ऐड यहाँ पे कितना है, 10। 10। दस बनाने के लिए 5 इंटू करना पड़ेगा, तो सबको 5 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो गर्ल्स कितने हैं, 25 है। बॉयज कितने हैं, पहले कितने थे तो 20 थे, कितने हैं, 30 है। हाँ, यस सर। नाइनटीन हो गया, 20। देखो क्वाइंस का प्रॉब्लम है, हम लोग आज कौन से क्वेश्चन से शुरू किए हैं, 16 से शुरू किए थे ना, यस सर। 19, ठीक, 20। चलो इसको भी बता देते हैं, ये तो एक एग्जाम में पूछा था, बहुत ज्यादा गड़बड़ सब करता, मेरे से भी पहले बहुत गड़बड़ होता था ये वाला सवाल। देखो टोटल अमाउंट वो 390 है, 1 रुपीज का सिक्का है, 1 रुपीज का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, ये कितना नंबर का में है, 5x का मल्टीपल है, ये कितना है, 6x का मल्टीपल है, ये कितना है, 7x का मल्टीपल है, और तीनों को मिला के कितना है, 390 होना चाहिए, 390 रुपया, 390 सिक्का नहीं, ये क्या है, ये बता रहा है नंबर ऑफ क्वाइंस बता रहा है, ये भी नंबर ऑफ क्वाइंस बता रहा है, ये भी नंबर ऑफ क्वाइंस बता ये, मगर ये वैल्यू बता रहा है, ध्यान देना, ये 390 क्वाइंस का वैल्यू बता रहा है ये, और ये जो फ्रैक्शन बताता है क्या, ये फ्रैक्शन बता रहा है कितने नंबर्स है, मतलब 1 रुपये का क्वाइन कितना है तो 5 का मल्टीपल में जाएगा, 50 पैसे का कॉइन कितना है, 6 का मल्टीपल में जाएगा, 25 पैसे का कॉइन कितना है, 7 का मल्टीपल में जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ क्वाइंस को पैसा से तो इक्वेट नहीं कर सकते, हाँ। नहीं समझ में आया, बुक कर पाओगे, देखते हैं। नहीं देखना नहीं है तुम लोग को, देखने के चक्कर में बहुत समय लग जाएगा, बता देते हैं। चलो देखो कॉइन्स कितना है, 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 390, तो ये क्या है, ये पैसा का वैल्यू है, तो इसका पैसा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 1 रुपीज इंटू 5x इसका कितना होगा, इंटू 1/2 रुपीज इसका कितना होगा, इंटू 1/4 रुपीज। अब ये पैसा का वैल्यू में, पैसा का वैल्यू में चेंज हो गया, समझ आया, कैसे चेंज किया समझ में आया ना, ये अब इसको हम रुपीज का, ये रुपीज में चेंज कर दिए इसको, जब 1 सेंटू के रुपीज, इसको 1/2 सेंटू के तो रुपीज में चेंज हो गया, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज, 1/4 मतलब ये रुपीज, रुपीज में चेंज हो गया, तो रुपीज से इक्वेट कर सकते, इस तरह टाइम को टाइम से इक्वेट करते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस से इक्वेट करते हैं, इसलिए रुपीज को फिर रुपीज से इक्वेट करेंगे ना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमको पहले से हम सॉल्व करके रखे थे, तो हमको पता है यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स का वैल्यू आएगा 40, ठीक है। तो बोला है नंबर ऑफ 1 रुपीज कितना होगा, 40 × 5 200, 1 रुपीज का कॉइन होगा, समझ में आया, अगर बोल देता तो 25 का कॉइन तो कितना होता, 280, 7x × 40 कर देते, वैल्यू नहीं पूछा कितना रुपया है ये नहीं पूछा, अगर रुपया पूछता तो 7 × 40 × 1/4 भी करना पड़ता, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा तो सिर्फ 7x करना रहेगा, 50 पैसा का करेगा तो सिर्फ 6x करना रहेगा, और अगर 1 रुपीज से करना सिर्फ 5x करना रहेगा, रुपीज अगर पूछ देता इसका वैल्यू कितना है तब हम लोग इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या कहना चाह रहे समझ रही हो,
क्या समझ रही हो? कुछ नहीं। यस हमें क्या समझ रही है? कुछ नहीं। नहीं सर, क्वेश्चन कैसे बनाना है वो समझ गए। कोई भी इन हाँ क्वांटिटी बोलो। को सिमिलर क्वांटिटी से इक्वेट कर सकते हैं। देखो अगला सवाल है, इन एन एग्जाम टेस्ट द रेशियो ऑफ अपियर टू पास्ट कैंडिडेट वाज 37:4। इफ 9990 स्टूडेंट अपियर्ड इन द टेस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जाम। देखो यहाँ पे एक चीज तुमको तुम डायरेक्ट एग्जाम में बना सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 37। देखो नंबर ऑफ इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुए है वो 37x है और जो नंबर ऑफ पास हुए है 14x है। इस क्वेश्चन बोला हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, तो जो भी आएगा वो 14x का मल्टीपल आएगा। आंसर में चेक कर सकते हो जो 14 का मल्टीपल होगा। अब मान लो 14 जो बड़ा मल्टीपल है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 14 का मतलब क्या, 7 into 2, ठीक है ना? तो अगर ऑप्शन है मान लो 2 का मल्टीपल कोई नहीं तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मान लो 2 का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिविजिबल है, इसको हम 7 से भी एक बार करके देख लेंगे, शॉर्टकट में करना आया था फट से, ठीक है? और अगर मान लो वैसे में कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? हम तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो क्या है बोला है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितना है, अपियर्ड स्टूडेंट इतना है और पास स्टूडेंट कितने हैं 14x। बट यहाँ बोल दिया अपियर्ड स्टूडेंट इतना है, मतलब 37x इज इक्वल टू 9990 स्टूडेंट है, यही बोला है ना सवाल? हाँ। 9990 को 37 से 990 डिवाइडेड बाय 37 आएगा x का वैल्यू 270। तो बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ट, पास्ट कितना 14x, 14x इज इक्वल टू 14 into 270, 3780 स्टूडेंट पास किया, 3780 स्टूडेंट पास किया। ओके इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। तुमको टफ लगा क्या? नहीं हम बना रहे बाईस 23 24 25, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हो जाएगा। हम लोग टीचर्स लोग सब अलाउड रहता है, जब हम स्टूडेंट रहेंगे तो हमको अलाउड नहीं रहेगा करने के लिए। देखो ए सैलरी इज 22 में ही है ना, ए सैलरी इज 150% मोर देन बी सैलरी, बी सैलरी इज 80% ऑफ सी सैलरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी सैलरीज टू ए सैलरीज? इजी है कि आसान है कि हार्ड है? आसान है। देखो फिर भी बताते हैं आसान है तो तुम लोगों को जितना समय लगेगा ना उतना समय में 4 क्वेश्चन हम बना देंगे। देखो ए और बी, ए का सैलरी है 150% ऑफ बी, बी अगर 100 है तो ए कितना होगा 150 होगा, और बी सी का बात करें तो 120। कुछ नहीं आप बनाइए। अच्छा तुम फास्ट, तुमको ध्यान देना है, तुमको तेज टीचर नहीं बनना है, ट्यूशन पढ़ाएगी तो बोले स्टूडेंट दे देते तुमको, नहीं ना पढ़ाना है तो हाँ यहाँ पे ध्यान दो। बी सैलरी 80% ऑफ सी, अगर सी का 100 है तो ये 80 है, ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा
यहाँ पे बी अलग अलग है ना, मगर बी का साइड तो एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा और रब करके और इजी वे में बनाते हैं इसको। और इजी में कैसे बनेगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 100/150 था, ये हो जाएगा मेरा 2/3 काटने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और बी बाई सी क्या था मेरा, 100/80, मतलब 20 से जाएगा ये 4 बार में, 20 से जाएगा ये 5 बार में। क्लियर है, नहीं समझ में आया? समझ गई सर। तो ए बी सी का कैसे निकालते थे हम लोग, ये 2:3 है और ये कितना है, 4:5 4:5 है। तो पहले हम लोग 1000 ए का क्या हो जाएगा, 4×2 = 8, इधर से इधर इंटू करेंगे। और सी का क्या हो जाएगा मेरा, 5×3 = 15। और बी का क्या हो जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, तो 2 से जाएगा ये, नहीं 3, और सिंप्लीफाई होगा क्या, ये 2 से नहीं होगा शायद, कोई गलती नहीं है, 4 × 5 = 15, 8 × 1 = 12। हाँ, और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ये 2 से, तो ये 3 से 4 से 5 से नहीं सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी टू ए, मतलब ए नीचे रहेगा, ए नीचे रहेगा और सी, ये रेशियो हो जाएगा, मतलब 15:8 का आंसर हो जाएगा। 8/15 करेगी एग्जाम में गलत हो जाएगा, इसी में ध्यान देना, 2a मतलब ए नीचे रहेगा, हाँ कहीं गलती नहीं ना हुआ, मिस्टेक नहीं ना हो कहीं। 12×5 = 15, 15:8, 2:3, 4:5, 80% है ना, ठीक है। 8×2 = 3, 4×5, हाँ ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2। देखो, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2, 4:3, ठीक है। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, व्हाट इज बी शेयर। आसान, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको मिला है 5, इसको मिला है 2, इसको मिला है 4, इसको मिला है 3, बट बोला सी गेट्स 1000 मोर देन ए। सी को कितना ज्यादा मिला है, 1 रुपया, ठीक है। मगर क्वेश्चन ने बोल रहा है कि 1000 एक्स्ट्रा मिला, इसको 1000 बनाने के लिए 1000 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 1000 इंटू किया तो सबको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको भी 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो बोला है बी शेयर क्या है, बी का शेयर है 2000। आ गया, हाँ इजी था ना। देखो, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। देयर इज अ प्रपोजल और टू इंक्रीज दीज सीट्स बाई 40%, 50% और 75% रेस्पेक्टिवली, तो वाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज। मतलब मान लो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट और बायोलॉजी डिपार्टमेंट में मान लो कुछ भी है, 1000, 2000, 3000 कुछ भी सीट है, तो जब उनका सभी सीट्स का वैकेंट सीट का जब रेशियो निकालते हैं ना, तो 5:7:8 आता है। तो बोला है कि अब नया मान लो कोई मेमोरेंडम पास किया गया, नोटिस निकाला गया है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने 40% सीट बढ़ाई है,
और फिजिक्स में 50% और फिजिक्स में 70 नहीं सॉरी फिजिक्स में 50% और बायोलॉजी में 75%। हाँ तो जब इतना सीट बढ़ जाएगा तो नया रेशियो क्या हो, ठीक है? इसे मैं नंबर ऑफ सीट्स नहीं बोला है कहीं पे भी, तो नंबर ऑफ सीट्स हम लोग अपना कुछ भी मान सकते हैं। सबसे आसान हमारे मानना होगा ये हो गया मेरा मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया बायोलॉजी। इसमें मान लेते 500, इसे मान लेते 700, इसे मान लेते 800। रेशियो तो अभी भी सेम ही रहेगा 5:7:8, तो सीट तो हमने माने तो कोई गलती नहीं की इसमें। मतलब 40% मैथ्स में 40% बढ़ेगा, इसमें जब 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 10% 50 तो 41 200, तो 200 बढ़ाने के बाद 700 हो जाएगा। इसका 50% जब बढ़ेगा तो कितना होगा, 350 बढ़ के 1050 हो जाएगा। 75% कितना होगा, 875%। 875% कितना होगा, 600 होगा। 800 का 75% मतलब 3/4 इसे जाएगा 200 में और यहाँ आ जाएगा 600, ठीक है? और अगर ऐसे भी नहीं आया है तो फिर 1-2 क्लास में जाओ, ऐसे निकालो 75%, ठीक है? 75 × 600, ठीक है? हाँ तो अब क्या रेशियो है, अब इसको काट पीट करना होगा। 350 से ये जाएगा दो बार में, 350 से जाएगा तीन बार में, 350 से जाएगा ये चार बार में, तो नया रेशियो ये है। बेस्ट फॉर्म में रेशियो रहता है। क्या पूरा बैकग्राउंड में तेरा बहुत हल्ला हो रहा है, डॉगी ऐसे उसको कोई काट रहा है क्या? उन लोग एक दूसरे को काटते रहते हैं, समझाओ उसको। चल देखो, 432 इज डिवाइडेड अमंग द थ्री वर्कर्स ए बी एंड सी सच दैट 8 टाइम्स ए शेयर इज इक्वल टू 12 टाइम्स बी शेयर which is equal to 6 times C share. How much did A get? कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, कैसे बना है? दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है, कैसे बनेगा? अरे चल गई क्या उन लोगों को शांत कराने के लिए? सॉरी हम माइक ऑफ कर दिए। अच्छा हमको लगा चली गई समझाने के लिए। सर इंसान को नहीं समझाने सकते, जानने है। ठीक है उतना पढ़ाई को सीरियस मत लो, हम ऐसे ही थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, 8 टाइम्स ए शेयर, 12 टाइम्स बी शेयर और 6 टाइम का सी शेयर, ये तीनों बराबर है, ठीक है? तो इसका ए इस टू बी इस टू सी कैसे निकालेंगे? इक्वेट कर देते हैं ये दोनों कैल्शियम से 24 से, मान लेते 24 के बराबर है, ठीक है? तो तीनों को मल्टीपल कैल्शियम लेके हम 24 से इसको इक्वेट कर दिए तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 ए इज इक्वल टू 3, B is equal to 2, C is equal to 4. 12B is equal to 24, तो B is equal to 2. और 6C is equal to 24, C is equal to 4. ठीक है? तो अब क्या बोला कि A को कितना मिला है? A का क्या शेयर है? 432 में A का शेयर कितना होगा? 3 out of कितना, आउट ऑफ कितना, 4 2 6 6 3 9, सॉरी 4 2 6 6 3 9, ठीक है? इतना शेयर मिलेगा, इसे जाएगा ये तीन बार में, तो
तो 432 का 1/3 मतलब एक बार में 3 1 3 फिर 4 बार में 12 इतना मिलेगा, ठीक है 144। ठीक है आया ना समझ में? देखो इसमें थोड़ा सा अप्लाई किया था रेशियो वाला था सिस्टम, 25 के बाद 26। देखो अब प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जनरली दिमाग से सबका हट जाता है कैसे बनाना है इसको। दो तरह का प्रोपोर्शन बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब अगर ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है और तीनों प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो क्या होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होगा अगर तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है तो। याद रखना ये थर्ड प्रोपोर्शन केस में। और फोर्थ प्रोपोर्शन का केस में रहेगा, अगर मान लो ए बी सी डी अगर चार नंबर प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। क्लियर है? ये फोर्थ प्रोपोर्शन का केस में तो इसमें निकालते हैं, ये बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन इसका निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 4/16 इज इक्वल टू 5/x, ठीक है सॉल्व करेंगे तो ये जगह से 4 बार में यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा ये 20 होगा, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन मान लो पूछेगा तो कोई नंबर थर्ड प्रोपोर्शन और 4, 2, 5 का थर्ड प्रोपोर्शन, नहीं सॉरी तीन नंबर दे ही दिया मान लो यहाँ पे दे दिया कॉमा फोर क्या बोलते हैं फिर इन द ब्लैंक्स, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोला तो 4/2 इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। तो इससे जाएगा ये 2 बार में तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हुआ, मतलब नॉर्मल इसका लेक्चर। इसके बाद तुम्हारा पार्टनरशिप के लिए लेक्चर आएगा और मिक्सर एंड एलिगेशन का लेक्चर आएगा। किसका लेक्चर? इसके बाद तुम्हारा पार्टनरशिप का आएगा, ठीक है, और मिक्सर एंड एलिगेशन का आएगा। मिक्सर और एलिगेशन, हाँ वो बहुत एडवांस तरीका होता है, ठीक है, जब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का बहुत ही एडवांस तरीका होता है जो कि काफी सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा अभी के लिए गुड नाइट तो नहीं, अभी इंग्लिश का क्लास लेना है। चलो इंग्लिश 10 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर इंग्लिश का क्लास शुरू कर, ठीक है। इंग्लिश का क्लास में लॉग इन करना, मैसेज कर लेना। ओके सर।